तीन अलग अलग किरदार है, सबसे बेहतरीन किरदार शाहरुख खान। और पठान की लाइक क्लाइमेक्स कैसा लगा? स्टोरी एकदम सुपर, मतलब एकदम जैसे सोचा था, जो एक्सपेक्टेशन थी पूरा टच कर दिया उसने। शाहरुख खान का लुक काफी डिफरेंट है, और लुक के ऊपर ही पूरा मूवी है। अगर वो मूवी देखना तो लुक देखो, जो उन्होंने जैसे लंबे बाल रखे या जो भी है, इधर अलग ही लुक में आया, ऐसा लग रहा था करण अर्जुन वाला फिर से फीलिंग आ रहा है। दो सॉन्ग काफी जबरदस्त, उसके अलावा कोई सॉन्ग को लेके? नहीं नहीं, आई थिंक दो या तीन ही सॉन्ग है मूवीज में, तो सॉन्ग्स का मेरे को इतना नहीं मालूम, लेकिन मूवी एकदम खतरनाक है, आप लोगों को देखनी चाहिए। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कैसा लगा? मतलब फर्स्ट हाफ अगर आप कंप्लीट देखते हो तो आपको लगता है सेकंड हाफ तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि काफी मतलब बहुत सस्पेंस था कि क्या होने वाला है क्या नहीं। शाहरुख खान इज बैक गाइस, शाहरुख खान इज बैक। कैसा था उनका किरदार? बहुत बहुत अमेजिंग। मैं अगर आपको बता दूंगा थोड़े स्पॉयलर्स आ जाएंगे, बट ही वॉज बैंग ऑन। इतना अच्छा था कि, और सलमान खान तो लाइक चेरी ऑन द टॉप था। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे बेहतरीन लुक किसका लगा तीनों कलाकार? सबसे बेस्ट तो ऑफकोर्स शाहरुख खान ही था, उन्होंने जो बॉडी में अपना काम किया है, ट्रांसफॉर्मेशन उनका वॉज वेरी वेरी गुड। आई थिंक जाना चाहिए सबको अपने फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए। 5 में से मैं 6 देना चाहूँगा प्लस वन। सिनेमेटोग्राफी वॉज गुड, एडिटिंग वॉज गुड, स्टोरी वॉज सुपर्ब। जॉन अब्राहम ने तो कमाल ही कर दिया। आई थिंक उससे बेस्ट विलन अभी है नहीं कोई इधर। दीपिका वॉज सो हॉट, लाइक बहुत अच्छा काम किया सबने, बहुत अच्छा काम किया है। बॉलीवुड ने अभी अपने बार सेट कर दिए हैं, लाइक ये रहता है, बट मतलब मूवी खतरनाक है। 5 में से 10 वेरी गुड। मूवी वॉज एक्सेलेंट, बहुत अच्छा था। सलमान खान की एंट्री वॉज वेरी गुड, डैम इंटरेस्टिंग सीरियसली। शाहरुख खान का किरदार बहुत अच्छा लगा, दोनों का कॉम्बिनेशन वॉज वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। Excellent, mind-blowing, that's it. Fired off. 10, maybe, more than 10 if I will give that. Thanks, sir. It was a very nice movie, बहुत ही अच्छी movie थी, and जितना विवाद सर, movie वाकई में बहुत अच्छा pack है, देखने लायक है सर, full वसूल है पैसा सर, कोई time boring नहीं करता सर, वाकई में एक अच्छा pack है। बोलते हैं कि अपनी जो Bollywood industry है, जो चीज़ जो माननी चाहिए कंपेयर टू साउथ, बैक चल रही है काफ़ी काफ़ी मूवी, बाहुबली, KGF, पुष्पा को, जो उनका जो एक सीक्वेंस दिखाया गया है, VFX है, उनमें एक खोवा है, बोलते हैं नहीं कि बिल्कुल खोवा है, वही खोवा ही कम्प्लीटली पठान में दिखाया गया है सर। क्या VFX है सर, लाइक कंपेयर टू सेम बाहुबली को, बाहुबली तरह VFX है सर। काफ़ी तीन कलाकार है, सबसे बेहतरीन कलाकार सर, सबसे बेहतरीन तो सर शाहरुख सर ही हैं, देन सलमान का भी अच्छा सिक्वेंस था शाहरुख खान के सर, जो फैटी सीक्वेंस होता है। लिटरली गॉन फॉर फर्स्ट डे फर्स्ट शो, देयर इज समथिंग दैट मेड मी गो। यस, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, बेस्ट हाफ, फर्स्ट बेस्ट? द होल मूवी वाज अमेजिंग, देयर इज नथिंग सच स्पेसिफिक। थ्री सेलेब्स, तीन अलग किरदार थे, सबसे बेहतरीन कलाकार कौन लगे? ऑब्वियसली शाहरुख खान, बिकॉज़ ही इज माय फेवरेट, बट ओवरऑल सारे लोगों की एक्टिंग अच्छी है। शाहरुख खान का लुक काफी डिफरेंट है, और 4 साल के बाद कमबैक, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, फिर कुछ बात करें उनके किरदार के बारे में, किस तरह का बहुत ही नया किरदार था। ही हैज कम बैक विद अ बैंग, दैट्स ऑल आई वांट टू से। सॉन्ग्स की मैं बात करूं, सॉन्ग्स आर रियली गुड। फेवरेट सॉन्ग थिएटर में सबसे अच्छा? दोनों सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, झूमे जो, पठान, बेशरम रंग, बोथ सॉन्ग्स आर रियली गुड। एक आखिरी सवाल, 5 में से कितने स्टार्स देना चाहोगे शाहरुख खान की एक्टिंग को? Obviously I'll give 5 on 10. And what about Deepika and John? Everyone is great. Overall movie को कितने स्टार्स? Full stars. Thank you. I feel the movie is really good. It's a really good movie. I was expecting something like this because King Khan has arrived after 4 years, so it has to be a good movie. And I was completely in an awe when he came to the first time. Uski jab entry hui, so I was in an awe. मतलब मैं कभी सोचा नहीं था कि शाहरुख खान को in this avatar, and the first look of him through his eyes, it was brilliant. Like I cannot. Picture में सबसे अच्छी सीखने की बात क्या है camera में? सीखने की बात ये थी कि लाइक दिस वॉज द दिस अ फिल्म विच इज़ अबाउट पेट्रियटिज्म, वॉर की जैसे फिल्म ही है लाइक, बट थोड़ा डिफरेंट अब वॉर से, बट यहाँ पे एक सोल्जर किस हद तक जा सकता है अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए, अपने आप को मतलब किस हद तक जा सकते, वो चीज़ इसमें बहुत अच्छे से दिखाई गई है। और जो लेवल का सेक्रीफाइस हमारे
सोल्जर्स करते हैं वी कैन नॉट थिंक ऑफ इट, लाइक हमें तो जितना पता चलता है लेकिन रॉ में ये सब जगह क्या क्या होता है, सो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी जिस तरीके से प्रेजेंट. सेकेंड हाफ मेरे लिए सेकेंड हाफ 7:30 बजे अगर इतनी भीड़ लगी है दैट स्पीक्स फॉर हिज स्टारडम. मज़ा आया, वो एक्सपीरियंस देख के बहुत मज़ा आया, जब चीखें थी चिल्ला रहे थे लोग, एक्सपीरियंस अपने आप में था. फिल्म में कुछ ज़्यादा मज़ेदारी टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं लगी. सर दोनों ही उतने ही ढीले लगे मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ नहीं जेन्युइनली दोनों उतने ही ढीले लगे थे क्योंकि कोई स्टोरी नहीं थी बांधने के लिए, अगर कोई धागा ही नहीं आपके पास पिरोने होने के लिए तो चाहे ड्रेस ऊपर से हो चाहे नीचे से हो पूरी की पूरी बेकार ही लगेगी. सॉन्ग्स तो सर जस्ट अबाउट एवरेज. शाहरुख खान का किरदार से ज़्यादा देखिए क्या है, मैं बता रहा हूँ जैसे स्टोरी नहीं है, पटकथा कोई है ही नहीं तो पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कैरेक्टर के आपको कुछ नहीं मालूम. हम जैसे सेलिब्रेट कर रहे थे वी वर सेलिब्रेटिंग द स्टार शाहरुख, एंड यस शाहरुख खान को एज अ स्टार देखने में तो मज़ा ही आ रहा था. मैं वही कह रहा हूँ कि ये अगर बिल्कुल ही भद्दी होती तो शायद मैं भग गया होता, बट अगर मैं यहाँ बैठा हूँ बता रहा हूँ तो वहाँ शाहरुख खान विलन कैसा था. क्लाइमैक्स तो सर आपको देखना चाहिए, वो आखिरी के 10 मिनट ही सबसे बेहतरीन है क्योंकि उसी में आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा बांधा जाता है. देयर इज अ सरप्राइज कैमियो इन दिस फिल्म, आई होप मालूम पड़ गया लोगों को या नहीं पड़ा या पीपल नो दैट. तो वो जो लास्ट के 10 मिनट है वो तो समा बांध देते हैं. एंड दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, जॉन एज अ विलन क्या हो रहा था. सर जॉन एज अ विलन बल्कि उनकी शुरुआत जॉन एज अ विलन धूम से ही हुई थी, यू रिमेंबर इफ यू रिमेंबर, एंड वो इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे कि मुझे आज भी याद है कि उनके पोस्टर लगाए शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ ऐसा के फैंस के लिए. मुझे फर्स्ट हाफ थोड़ा सा यू नो लाइक थोड़ा सा स्लो लगा और मूवी और स्टोरी काफ़ी मेरे को प्रेडिक्टेबल भी लगी कि यू नो समझ आ रहा था कि ओके दिस आफ्टर दिस दिस इज़ गोना हैपन, तो वो हुआ. ओवरऑल अगर एक्शंस की बात करूँ जो एक्शन कॉम्बैट्स थे फाइटिंग कॉम्बैट्स थे वो सुपर्ब थे. VFX also was good, but overall ठीक है. एक स्पाई मूवी है, आप कोई भी स्पाई मूवी देखोगे तो आपको वो सेम ओल्ड स्टोरी देखने मिलेगी, एक जवान अपने देश को बचाने के लिए मिशन में, सेम ओल्ड स्टोरी, नथिंग न्यू. डायरेक्शन वाइज बिकॉज 3 मेन कैरेक्टर्स इन द मूवी, 3 डिफरेंट ह्यूज स्टार्स इन द मूवी. हाँ जी, डायरेक्शन वाइज कैसा था? डायरेक्शन अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो हाँ डायरेक्शन अच्छा था. जो एक्शंस जो सीक्वेंस थे वो मुझे अच्छे लगे. ओवरऑल ओके इट वॉज गुड. सॉन्ग्स को लेके कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी चली थी लेकिन मुझे ऐसा मूवी में भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि कॉन्ट्रोवर्शियल था. बेकार में बॉयकॉट गैंग ने मतलब दिमाग ख़राब कर दिया था और वो सॉन्ग बेशरम रंग ऑन दैट ऑरेंज बिकिनी हमें देखने मिला वो काटा नहीं. क्लाइमैक्स सुपर्ब था, क्लाइमैक्स में ही तो मैं फुल ऑन मार्क्स दे सकती हूँ क्लाइमैक्स के लिए. और सलमान की मैं फ़ैन हूँ तो हाँ मैं आई एम लाइक अवेटिंग कि कब सलमान को भी टाइगर में देखने मिले वापस. टाइगर जिंदा है आने वाली इसी साल. सो 4 out of 5 वही स्टोरी मेरे को थोड़ा स्टोरी में थोड़ा सा हाँ अगर स्टोरी अच्छी होती तो बहुत. थैंक यू. So what would you like to say about Pathaan? Love you, Shahrukh. आई थिंक मुझे मूवी बहुत पसंद आई. फर्स्ट हाफ हालांकि मुझे थोड़ा सा स्लो पेस लगा और लग रहा था कि स्टोरी, बट सेकेंड हाफ आते आते इट गोज टू अनदर लेवल और क्लाइमैक्स आते आते तो वो बहुत बड़ा धमाका. शाहरुख खान का बहुत सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे, 3-4 साल हो गए. हम लोगों ने DDLJ पता नहीं कितनी बार देखी है, उनकी जो भी मूवीज़ हैं बहुत ही, बट ये है कि उनकी लुक बहुत डिफरेंट है ये मूवी में. और यूजुअली रोमांटिक मूवीज़ करते हैं, ये मूवी एक्शन है तो उनकी लुक बहुत डिफरेंट है, उनका रोल बहुत ही उम्दा है. और एज ऑलवेज ही इज़ मार्वलस, माइंड ब्लोइंग, फिनोमिनल इन हिज रोल एज पठान. ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट, बहुत बढ़िया उन्होंने अपने रोल निभाया. साथ में दीपिका पाडुकोन के स्टंट्स, शी लुक्स वेरी सेक्सी, वेरी सेंशुअस एंड वोलप्शियस इन हर रोल. एंड जॉन इब्राहिम का जो लुक है बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, मतलब फिजीक वगैरह. और एक फ्रेम में जब भी शाहरुख और जॉन आए, जॉन आउटफिट एक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नेगेटिव रोल है, और बहुत बढ़िया एक्शन सीन्स हैं, बहुत ही धमाकेदार. और सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया, जो दुबई के सीन्स हैं, सचित पोलोस जो सिनेमेटोग्राफर हैं, और उसके साथ एडिटिंग क्रिस्प है. 2.25 घंटे की मूवी, कहीं भी कोई रैंडम सीन नहीं, स्ट्रेच नहीं, हम लोग शुरू से लेकर एंड तक एंटरटेनिंग है, एंजॉय. बुजुर्ग तक जो जो रिक्वायरमेंट फिल्म में होना चाहिए, चाहे वो VFX हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे कैची सॉन्ग हो, चाहे कैची डायलॉग हो, ये मत पूछो कि देश ने हमारे लिए क्या किया, बल्कि ये कहो कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं. इस टाइप के जो डायलॉग है, रॉ की स्टोरी,
एक अलग दुनिया में आपको ये फिल्म ले जाती है। और मुझे लगता है कि जो बायकॉट टीम है उनको भी ये फिल्म देखनी चाहिए कि बायकॉट की कमाई धमाई तो हो गई होगी, अब ज़रा शाहरुख खान की भी कमाई करें, ये फिल्म को देखें और देखने के बाद में थोड़ा सा महसूस करें कि यार हम किस गलत